लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र, वन नेशन वन इलेक्शन, समान नागरिक संहिता लागू करने का किया वादा। घोषणा पत्र में 14 मुद्दों पर जोर, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग, मुंबई पुलिस सीसीटीवी की तलाश में जुटी। वारदात के वक्त घर में मौजूद थे सलमान खान। फायरिंग पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हो सकती है पूछताछ, गुजरात के साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कार्यक्रम, एमपी के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर में करेंगे रैली, देर शाम मंगलुरु में करेंगे रोड शो। ईरान का इसराइल से बदला शुरू, ईरान, इराक और यमन से इसराइल पर चले 200 से ज्यादा ड्रोन, 146 मिसाइलें, यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद के ऊपर भी उड़े ईरान के ड्रोन, इसराइल के हमलों को नाकाम करने का दावा। ईरान ने इसराइल से जुड़े कार्गो जहाज को किया जब्त, जहाज पर 17 भारतीय भी सवार, रिहाई के लिए केंद्र सरकार ने ईरान से साधा संपर्क। और 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर्स के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति पर फोकस किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी बातें जरा आपको बता दें, इस संकल्प पत्र में क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करेंगे ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। यूसीसी पर पूरे देश में लागू किया जाएगा, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना ये कहीं ना कहीं से इस बार का टारगेट रखा गया है। देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, प्रधानमंत्री ने यह बात भी कही। वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब, इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो